सो गाइज आप सभी का वेलकम है फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तो आज अपन खेलने वाले हैं रेंज सिमुलेटर का पार्ट नंबर 3। और पिछले वाले पार्ट में लास्ट टाइम ने यार अपन मुर्गिया मुर्गिया लेके आ चुके थे, और वो तो अपने अपनी मतलब कि एक मुर्गे छोटा सा फार्म बनाया था, फार्म तो नहीं बनाया था, एक छोटा सा कटघरा सा बनाया था जिसके अंदर अपने दोनों मुर्गियाँ छोड़ दी थी। और इसके अंदर मैंने पानी की बकेट भी छोड़ दी, खाना भी छोड़ दिया। तो अभी यार इनके देखते हैं कि कैसी है, अट्टी कट्टी लग रही है मेरे को तो यार बाहर से देखने तो। और बाकी हाँ, इनका पानी और खाने का तो पूरी कोई कमी नहीं है, इनके लिए तो सब कुछ सही है। और ये बकेट वकेट सारी अपन कल लेके आ चुके थे। और ये वाला घर है जो दादाजी ने कहा था कि ये वाला पूरा घर तोड़ के मेरा सपना था कि तू एक नया घर बनाए, तो आज पहले तो अपन ये पूरा घर तोड़ने वाले हैं। और इस घर को तोड़ के बाद में एक अपन नया घर बनाएंगे, तो जल्दी से अपन इस घर को पूरा तोड़ते हैं। अंदर चल के देखते हैं कि अपने को मतलब कि लाइन वाइज घर तोड़ना पड़ेगा पूरा, डायरेक्ट हम घर नहीं तोड़ सकते। मतलब इसने कहा कि पहले मतलब कि 3 फ्लोर है, तो तीनों फ्लोर को तेरे को पूरा पूरा तोड़ना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ पहले तो फर्स्ट फ्लोर से लगते हैं अपन जल्दी से। और बाकी यहाँ पे मतलब कि जितना भी नीचे कचरा पड़ा है और ऊपर की साइड में, चलो मतलब कि पूरा का पूरा घर ही तोड़ना है, ऐसा नहीं है कि कुछ तोड़ना भी है, सारा का सारा घर अपने को तोड़ना पड़ेगा। और बाकी इस साइड में तो और कुछ है नहीं, मतलब ऊपर की साइड में जितना भी दिख रहा है अपने को, लकड़ी वकड़ी दिख रही है, सेकंड फ्लोर सब कुछ अपने को तोड़ना है। और बाकी यार घर पूरा का पूरा एक खराब हो रखा है, तो इसको तोड़ना ही अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें देखो सारा का सारा सामान टूट टूट के नीचे बिखर रखा है। जल्दी से अपन तोड़ लेते हैं, एक ये वाला तोड़ दिया, ये वाला भी तोड़ देते हैं। और इस साइड में ये वाले बस नीचे ना गिर जाए, मेरे को डर ही है यार ये कभी घर अपन नीचे से ऐसे हटाएं तो नीचे ना गिर जाए घर। और बाकी इस साइड में ये लैंप है, और इसको पहले ऐसा पहले लैंप हटेगा बाद में हटा सकते हैं। तो पहले मैं सोच रहा हूँ यार पहले ऊपर से जाके करते हैं ताकि ऊपर से आसानी होगी, अपन ऊपर से तोड़ते हुए तोड़ते नीचे की तरफ आएंगे ताकि अब आराम से अपना सारा का सारा घर जल्दी जल्दी टूट जाएगा, वरना अगर अपन नीचे से तोड़ेंगे तो इतनी जल्दी टूटेगा नहीं। और ये वाला गेट भी मैं तोड़ते हुए चलता हूँ साथ साथ में। हाँ बस अब यार थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, मतलब घर साथ साथ में पूरा टूट गया। ये बेड भी अपने साफ कर लिया, ये गेट भी ले लिया है, और ये वाला तो यहाँ पे तो डायरेक्ट सीधा टूटेगा शायद। हाँ मेरे को लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ था ही नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट टूट रहा है। और ये ऊपर वाला कैसे टूटेगा भाई, आराम से टूट तो। हाँ अरे ये कैसे टूटा भाई, ये तो मतलब एक साथ पूरा का पूरा ही टूट गया। तो जल्दी जल्दी अपन ये ऊपर वाले सारे के सारे तोड़ देते हैं। दो में तोड़ दिए, एक और बचा है नहीं, एक नहीं इसके बाद में एक और आगे की साइड में एक और है, तो उसको भी अपने को तोड़ना पड़ेगा। और बाकी अच्छा आराम से जा सकते हैं अपन, मतलब इसके अंदर ये वाला गली चार वैसा नहीं सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन अपन आराम से इनके अंदर से आराम से जा सकते हैं। और ये वाला भी टूट गया पूरा पूरा पूरा। और इस साइड में एक यार मेरे को पेटी लग रही है, इसको भी तोड़ देते हैं। और एक चिमनी है, इसको भी तोड़ ही देते हैं साथ साथ में ऊपर की साइड से। बाकी देखते हैं नीचे, ओ पूरी मतलब पूरी नीचे नीचे की पूरी खिंडगी नीचे जाके। और बाकी यहाँ से तो पूरा पूरा ऊपर का फर्स्ट थर्ड फ्लोर का बस लास्ट एक ये दो और बचे हैं, बाकी तो सारे सारे अपन ने तोड़ दिए। दो नहीं तीन बचे हैं, एक तो ये और एक लास्ट फाइनल वाला बचे, तो इसको भी अपन जल्दी से तोड़ देते हैं। अब मैं एक तो मैंने आपको मैं जल्दी से 2x में करके दिखा देता हूँ कि अपन जल्दी जल्दी पूरा घर तोड़ देते हैं। और उसके बाद में अपन मनाने वाले हैं अपने दादाजी का नया घर, और उस घर का कितने रुपए लगेंगे, कितना कुछ लगेगा वो अपने को देखना पड़ेगा, और उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट नए लगाएंगे अपन वो देखेंगे सारे के सारे चीज़ें। और पहले जल्दी जल्दी ये घर तोड़ देते हैं। बाकी यार ये घर मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा था पहले वाला, लेकिन इससे बड़ा घर अब तुम देखते हैं अगर बना पाते हैं। अभी तो अपने पास इतने रुपये नहीं है कि इससे बड़ा अपन घर बना लेंगे, बाद में अपन फार्म फूम बना के और बाद में अपन बनाएंगे इससे भी बड़ा घर। उससे पहले इस घर को बनाने के बाद मैं सोच रहा हूँ अपन वो वाला फार्म भी बना लेंगे जहाँ पे अपन गाय हुए पाल सकते हैं। तो पहले जल्दी से अपन ये सारा का सारा घर तोड़ देते हैं। तो फाइनली गाइज मैंने सारा का सारा घर तोड़ दिया है, बस अब नीचे नीचे का थोड़ा सा बचा है, जो नीचे नीचे का सामान है एक तो ये है, और इस साइड में एक छोटा सा कचरा ये बचा है तो इसको भी तोड़ देते हैं। मतलब अपना जो फर्स्ट थर्ड फ्लोर सेकेंड फ्लोर था ना वो तो अपन ने सारा तोड़ दिया, उसके ऊपर तो अपना टिक लग गया है। अभी बस लास्ट ये नीचे नीचे का फ्लोर बचा है, लास्ट फ्लोर, इसको भी जल्दी से तोड़ देते हैं। इसको ये तो इसको तोड़ देते जल्दी से, लास्ट ये बचा था। ओह भाई ये तो मतलब लास्ट वाला तो पूरा पूरा ही टूट गया एक साथ ही, ये वाला काम अच्छा था यार। बाकी तो अपने को हर एक चीज़ एक एक करके तोड़नी पड़ रही थी, लेकिन लास्ट वाला पूरा एकदम झटके से टूट गया। तो अब अपने को बनाना है यहाँ पे एक नया घर। बाकी यहाँ पे यार मतलब काफ़ी ज़्यादा खुला खुला एरिया लग रहा है, पहले तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा घर था। और बाकी यहाँ पे अपना ये मैप में अपना एरिया यहाँ पे है जहाँ पे अपना ये रेंज वेंच है, और यहाँ पे जल्दी से पहले तो अपना अपना घर बनाते हैं। बाकी यार शाम हो रही है, सामने की साइड में जंगल दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा जंगल है यार। तो पहले तो अपन घर देख लेते हैं कौन से घर अपन बनाने वाले हैं। तो एक तो यार ये घर है जो $9,500 का था, तो ये तो अपन नहीं बनाने वाले। और एक है $4,500 का, इतने यार अपने पास रुपये ही नहीं है कहाँ से बना लेंगे अपन। और ये भी $3,500 का है, अपने पास सिर्फ है $500। तो अपन ये वाला घर बनाने वाले हैं, लेकिन यार अभी तो काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला घर अपन सुबह बनाएंगे, क्योंकि यार अभी बनाएंगे तो कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा, अपने कुछ दिखेगा नहीं। तो जल्दी से अपन ये हैमर तो अपना गोज में डाल लेते हैं और जल्दी से चल के अपन सो जाते हैं ताकि जल्दी से सुबह हो जाएगी, फिर अपना अपन घर का काम वापस स्टार्ट करेंगे। तो अपन मतलब गुड नाइट गाइज, अपन सो चुके हैं। और बाकी इसके अंदर एक काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि अपन एक मिनट में अपनी सुबह हो जाती है, और गुड मॉर्निंग एक और नए दिन सुहाने दिन के साथ। तो अभी अपना मतलब एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, मतलब कि कई काफ़ी दूर दूर तक एकदम साफ दिख रहा है। और वो कल यार जंगल मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सूरज उस साइड से था, अब तो सूरज इस साइड में आ गया क्योंकि सुबह हो गई है। और बाकी यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा खाली खाली एरिया हो गया, तो जल्दी से अपन यहाँ पे घर बना लेते हैं।
और बाकी घर देखते हैं, घर तो देखते क्या है, घर तो अपने को वही बनाना पड़ेगा क्योंकि अपने पास अभी इतने रुपए नहीं है, वो अपने को बाद में बनाएंगे जब अपन पहले फार्म फूम बनाएंगे जहाँ पे गाय वे पालेंगे, उनको बेच के उनका दूध बेच बेच के फिर अपन रुपए कमा के फिर बाद में बड़ा घर बनाएंगे। बाकी ये अपने को $500 का पड़ रहा है और अपने पास है $844, तो पहले जल्दी से अपन $500 का ये खरीद लेते हैं। तो इसका मैंने पूरा मतलब नीचे नीचे स्ट्रक्चर पूरा ब्लू रे स्ट्रक्चर खरीदा गया, मतलब अभी तो अपने को इसके ऊपर और कुछ सामान लगाना पड़ेगा। इसमें जैसे दिखा रखा है एक लकड़ी चाहिएगी, एक जेरिकन चाहिएगा, जेरिकन किस लिए चाहिएगा भाई, तेल किस काम में आएगा, देखते हैं किस काम में आएगा। अच्छा पहले कह रहा है कि जेरिकन लेके तेरे को उस साइड में जाना है, तो जेरिकन ने तो अपन ने रख रखी है पहले इस गाड़ी में अपनी, तो इस गाड़ी को लेकर जल्दी से अपने जहाँ पे ये कह रहा है वहाँ पे चलते हैं। और बाकी एक वाला ये जिस साइड वाला जो फार्म दिख रहा है इसको भी अपन आगे वाले पार्ट में इंप्रूव करने वाले हैं, क्योंकि इसको यार ये इसमें अपन गाय भी इसी में पालेंगे, तो जल्दी से पहले तो अपन वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे ये जेरिकन को कह रहा है कि वहाँ पे लेके चलो। बाकी पता नहीं यार क्या है, तो जल्दी से अपन चलते हैं। और बाकी यार ये गाड़ी मतलब बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है, टुकती टुकती, मतलब ये गाड़ी बिल्कुल सीधी चलती नहीं, इसका एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा खराब है इसकी कंट्रोलिंग, तो अपन दूसरी वाली गाड़ी खरीदने वाले हैं ताकि इसकी यार कंट्रोलिंग से अपना पीछे छूटे। ये मतलब गाड़ी नॉर्मल काम आने वाली गाड़ी है, इसमें यार कंट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा खराब है। बाकी यहाँ पे बता रहा है कि तेरे को यहाँ पे आना है, यहाँ पे मेरे को मोटर लगती है यार, इसमें शायद अपने को तेल वेल डालना होगा, तो जल्दी से अपन तेल डाल देते हैं इसमें। हाँ तेल ही डालना है, मैं सोचा था यार इसमें करना क्या है, क्या है। अच्छा ये यहाँ पे मतलब लकड़ी काटने वाली मशीन है, तो यहाँ पे अपने को पेड़ों की लकड़ी ला ला के यहाँ पे काटनी पड़ेगी। और बाकी मैंने तेल पूरा डाल दिया है और मैं सोच रहा हूँ पहले यार ये मोटर बंद कर देते हैं, ताकि पहले लकड़ी लेके आए इतने चालू रहेगी नहीं, बंद कर देते पहले। मैंने यार मतलब बटन दबाया लेकिन बंद नहीं हुई, फिर आप बंद हो गया ताकि यार तेल पूरा नहीं तो खत्म ही हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी अपन पहले लकड़ी काट लेते हैं सारी की सारी, ये वाला पेड़ काट लेना पहले जो तो अपन, और इस साइड में मतलब पेड़ तो काफी ज्यादा, पेड़ की तो कोई दिक्कत नहीं है, पेड़ तो अपन आराम से काट लेंगे सारे के सारे। इसको पूरा पूरा अलग अलग पीस में ब्रेक कर लेते हैं जल्दी से, फिर एक एक पीस अपने को लेके वहां पे जाना पड़ेगा और एक एक पीस लेके वहां पे लगाएंगे, तो उनसे पता नहीं है क्या होने वाला है। जल्दी से अपन लगा के देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे पुट करना है भाई, पुट कैसे नहीं हो रहा, अरे यार मैंने मोटर ही ऑन नहीं करी, मैं सोच रहा हूँ पुट कैसे नहीं हो रहा। जल्दी से पहले तो मोटर ऑन कर रहे हैं, ये पुट ही नहीं हो रहा था यार, मैं सोचा पुट कैसे नहीं हो रहा भाई, लेकिन अब शायद तक पुट हो जाएगा, शायद तक क्या तो पुट होना ही था कि मोटर अपन ने ऑन कर दिया। बाकी देखते हैं कि कैसा कैसे मना रहे, ये क्या मनाएगा इसका। अच्छा भाई ये तो वो मनाने वाला है, ताकि समझ गया था कि घर अपन आसानी से बना सके, इसके फंटे फंटे से बना देगा। तो जल्दी जल्दी अपन ये सारी की सारी लकड़ियाँ लेके जाते हैं। बाकी यार ये जहाँ पे ये मशीन रख रखी ये भी पूरा टूट फूट रखा है, तो इसको भी बाद में तोड़ के अपन नया बनाने वाले हैं। वो तो धीरे धीरे अपना धीरे धीरे सारा का सारा काम होता रहेगा, अपन जल्दी जल्दी पहले तो पेड़ की लकड़ियाँ तोड़ तोड़ के वहाँ पे लेके चलते हैं। बाकी बस यहाँ पे कोई भेड़िया वेड़िया ना आ जाए यार जंगल में, बाकी यहाँ पे घर वगैरह तो शायद ही आएगा भेड़िया, क्योंकि अपने दादाजी ने घर वहीं पर बना रखे हैं जहाँ पे थोड़ा सेफ एरिया हो। तो जल्दी जल्दी अपन अपना सारा का सारा सामान मतलब सारी सारी जितनी भी लकड़ियाँ हैं वो सारी सारी जल्दी जल्दी लगा देते हैं। और अपनी मतलब कि मैं सोच रहा हूँ कि एक बार में अपन काफ़ी ज़्यादा ले जाते हैं, वरना यार कमी पड़ेगी तो वापस आना पड़ेगा अपने को। तो मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा पेड़ काट के और अपन एक साथ ही सारी सारी लकड़ियाँ यहाँ पे लगा के तोड़ डालें और बाद में अपन घर पे चलें। और एक लास्ट एक पीस और बचा है इस पेड़ का, तो ये पेड़ यार बाकी यार इतनी तो नहीं, इससे तो काफ़ी ज़्यादा लगेंगे, इतनी लकड़ियों से क्या काम होगा, क्योंकि यार घर इतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ लगेंगी। तो मैं जल्दी से सारी सारी लकड़ियाँ यहाँ पे जाके लगा देता हूँ। और बाकी गाइस एक चैनल पे जितने भी नए हो गए लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और ये इतनी मतलब कि मैंने काफ़ी ज़्यादा पेड़ काट दिया, दो तीन पेड़ काट दिए, मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ में काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी कर लेते हैं, वरना यार बाद में दिक्कत आने वाली है। अगर काफ़ी ज़्यादा हो भी जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली नहीं, उनको यहाँ पर छोड़ देंगे, अपन बाद में काम में ले लेंगे और कभी दूसरा घर बनाएंगे या फिर कुछ भी और इम्प्रूव करेंगे तो अपने काम में आ जाएंगे। अभी लास्ट वाले ये दो पीस बचे हैं, तो इनको भी जल्दी जल्दी अपन लगा लेते हैं, बाद में ये सारी की सारी अपने को अपनी गाड़ी में भी लोड करनी पड़ेंगे यार, जितने भी नए फंटे निकल निकल के आ रहे हैं। बस एक लास्ट पीस बचा है तो ये भी मैंने डाल दिया है, तो अब जल्दी से अपन एक काम करते हैं, ये सारे के सारे फंटे। और बाकी ये काम अच्छा था, मतलब अपना आप एक लकड़ी लगाने के बाद में दूसरी लकड़ी आती है ना, तो ये अपना आप ही नीचे गिर जाते हैं। तो जल्दी से अपनी वाला खोल के पीछे से इसके अंदर अपनी सारी की सारी लकड़ियाँ रख लेते हैं, एक आराम से रख जाए भाई। हाँ एक रख दी, दूसरी उठा लेते हैं आराम से, ये दूसरी भी उठा ली आराम से, रख जाए बस, रख जा रख जा। हाँ ये भी रख दी, अभी लास्ट लास्ट कहाँ एक और रख देते हैं, एक और आराम से, अब जल्दी जल्दी रख देते हैं सारी सारी लकड़ियाँ, मैं जल्दी जल्दी रख देता हूँ। और बाकी यार बाकी साइड में मेरे को कुछ लकड़ियाँ दिख रही हैं कहीं यार, मैं कहीं ये लकड़ियाँ काटी मैंने और बाकी लकड़ियाँ मैंने उठा सकते थे, तो यार बहुत ज़्यादा दुख लग जाएगा, लेकिन कोई नहीं अपने ने काट ली फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फाइनली गाइस मैंने सारी सारी लकड़ियाँ यहाँ पर रख ली हैं, जितनी भी लकड़ियाँ थी हमने, बाकी कुछ नीचे भी बची हुई हैं तो इनको बाद में ले जाने वाले हैं, अगर कम पड़ेंगे तो ले जाएंगे, वरना और कुछ बनाएंगे तो अपन कर लेंगे। और इस मोटर को कर देता हूँ मैं ऑफ, वरना यार मोटर ऐसे तेल खत्म कर देगी पूरा, और तेल कह रहा है मेरे पास अभी रुपए भी नहीं है, तो पहले अपन जल्दी जल्दी, ज़्यादा रुपए होंगे फिर तो ऐसे चलते रहने देंगे मोटर को। और बाकी यार भाई इस साइड में लकड़ी पड़ी, अच्छा उठा नहीं सकते मैं अभी भाई, मैं तो अभी सदमा लग जाता, मतलब लकड़ियाँ इतनी पड़ी है, मैं इतनी देर से पेड़ काट रहा हूँ, लेकिन ये लकड़ियाँ अपन काम में नहीं ले सकते क्योंकि ये शायद तक बड़ी वाली लकड़ियाँ हैं या फिर ये लकड़ियाँ खराब हो चुकी हैं। तो पहले अपन जल्दी से घर पर चलते हैं,
बाकी यार मैं जंगल में बिड़ता बिड़ाता यहाँ पे पहुंच गया लास्ट में, मतलब मैंने इस साइड में बैक करके लगा दिया ताकि अपन डायरेक्ट यहाँ से लकड़ी उठा सके, वरना यार लकड़ी उठा उठा के अपने को पैदल आगे वापस चढ़ना पड़ता। तो अब यहाँ से अपन डायरेक्ट लकड़ी उठा के और आराम से लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। और बाकी यार इसके अंदर ये काम अच्छा है अपने आप, मतलब डायरेक्ट ये दबाओ यहाँ पे आराम से पुट हो जाते हैं सही सही लकड़ियाँ, तो इस साइड में भी पुट कर लेते हैं। और बाकी यार घर पता नहीं कैसा बनने वाला है, तो देखते हैं कैसा घर बनेगा। ऊपर की साइड में भी लगा देते हैं, पहले बाहर की साइड से लगाता हूँ, आराम से लग जाओ यहाँ में। हाँ लग गई। और बाकी अभी तो यार काफी ज्यादा लकड़ियां लगानी है अपने को, एक ही साइड में लकड़ी लगानी है, जल्दी जल्दी सारी सारी लकड़ियां लगा लेते हैं एक ही। पहले तो मैं सोच रहा हूँ ना पहले ये लगा लेते हैं, बाद में लगाए की बार सीढ़ियां लगाएंगे, पहले सीढ़ियां लगा के देखते हैं कैसा दिखता है सीढ़ी। सीढ़ी शायद तक पूरी बनेगी। हाँ पूरे हुआ, मतलब एक ही लकड़ी में पूरी की पूरी सीढ़ी बन गई। ये काम अच्छा था यार, ये काम अच्छा गया। और बाकी ऊपर वाली भी सीढ़ी शायद एक बार में लग जाएंगी पूरी। और बाकी मतलब ये बाकी तो पूरा पूरा ब्लू एरिया है, तो पहले जल्दी जल्दी अपनी सारी सारी लकड़ियां लेके वहाँ पे लगा देते हैं। एक ही लगा दी और दूसरी भी उठा लगा देते हैं, मतलब कि जितनी भी लकड़ियां हैं वो जल्दी से अपन लगा देते हैं। उसके बाद में अपना घर पूरा ये मतलब कि बाहर बाकी स्ट्रक्चर अपन पूरी कर देंगे, अंदर की देखते हैं कि अपने को क्या करना पड़ेगा बाद में। और अपन बाद में मतलब और कुछ भी अपने, मैं सोच रहा हूँ कि इसको घर को बनाते ही मैं जाके मुर्गे मुर्गे लेके आऊँ, ताकि अपन उनको जल्दी से यार खाना वाना दे के अपन मतलब कि रुपये वुपये कमा सके, उनके अंडे बेच बेच के आ सके अपन। बाकी फाइनली मेरी सारी सारी लकड़ियां हैं वो पूरी की पूरी लगा दी हैं यहाँ पे। अपना मतलब घर के स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा दिख रहा है बाहर की साइड से, अपन घर से बाहर के देखते हैं। अरे क्या घर अपने, हम मतलब घर अपने यहाँ भी पूरा का पूरा घर बन गया। और बाकी इन्होंने क्या लिख रखा है, कॉन्ग्रेस यू हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन। हाँ ठीक है ठीक है, मतलब इन्होंने रख रखा है कि जितना भी तूने घर बनाया इसके लिए कॉन्ग्रेस, और तेरे को इस साइड में एक मतलब कि बाउंड हाउस जहाँ पे तू गाय हुए पाल सकता है वो भी है, तो तेरे को वो भी तेरे को पूरा का पूरा बनाना है। तो वो तो यार बाद में बनाएंगे, उसके लिए तो अपने को $900 चाहिए, तो वो अपने पास अभी है नहीं, तो उसके लिए पहले मुर्गे मुर्गे ला के पालना पड़ेंगे। और इस साइड में अपने सोफा सोफा था, और ये ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं। और ये रूम क्या देखते हैं किसका है, इसके अंदर शायद, हाँ इसके अंदर अपन जितना भी अपने कर्ड कर्ड जितना भी पनीर पनीर बनाएंगे वो सारा सारा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और बाहर की साइड में एक डस्टबिन रखा हुआ है, तो इस गेट को कर देते हैं बंद। और इस साइड में यार ये एक देखो कितनी क्यूट सी गाय लग रही है, कितनी प्यारी गाय आ रही है, इसको देख के मजा आ गया। और इस साइड में एक ये फ्रिज रखा हुआ है, खुल नहीं रखा, जाए बाद में खुलेगा जब अपन सामान लेके आएंगे तब शायद तक एक फ्रिज खुल जाएगा। और बाकी साइड में एक टेबल रखी है जहाँ पे अपन आराम से अपना खाना खा सकते हैं बैठ के। यहाँ पे वॉश बेसिन है, यहाँ पे किचन के गैस पड़ा है जहाँ पे अपन मतलब चार एक साथ में चार चीज़ें रख सकते हैं। और ये एक फोटो पता नहीं किस चीज़ की आ रही है, फोटो समझ में नहीं आ रही मेरे, तो आप कमेंट में बताना किस चीज़ की फोटो यार, मेरे तो समझ में नहीं आई किस चीज़ की फोटो है। बाकी ओ लाइट भी ऑन होती है भाई इसमें, तो जल्दी जी बाहर चल के अपन लाइट देखते हैं। बाकी यार लाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन यार दिन का टाइम है, बिजली का ज़्यादा बिल आ जाएगा, तो अपन जल्दी से बंद कर देते हैं, रात में ही ऑन करेंगे लाइट को, वरना बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा देते हैं आ रही है। तो जल्दी से ऊपर चलते हैं। और बाकी यार फ्लोर दो ही है, नीचे तो मतलब अपना किचन विचन है, ऊपर सोने का है। और इस साइड में एक हिरन की मुंडी लगा रखी है, और यहाँ पे भी एक टेबल है जहाँ पे अपन आराम से बैठ कर रात को पढ़ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एक टीवी, ओ टीवी भी लगा हुआ है भाई, इसके अंदर तो काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें हैं। यहाँ पे एक फ्रेम लगा रखी है गार्डन की, शायद इसके दादाजी की पहले की पुरानी फ्रेम है जो लगा दी है। और यहाँ पे भी एक बटन है इसको, ओ इसके अंदर भी काफी ज्यादा अच्छा, मतलब यहाँ पे भी अपन लाइट वाइट सारी की सारी ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे किताबें विताबें पड़े हैं, रात को बोर हो तो किताबें पढ़ सकते हैं। और टीवी भी लगा रखा है, तो टीवी भी अपन देख सकते हैं। तो पहले तो मैं टीवी ऑन करके देखता हूँ टीवी कैसा चलेगा, मतलब इसमें टीवी कैसा चलता है देखते हैं। यार ऑन हो जाए टीवी तो ऑन हो जा, टीवी ऑन कैसे नहीं था, मैं डायरेक्ट मतलब बेड के ऊपर चढ़ा रहा हूँ, अभी सो के देखते हैं टीवी, मतलब सो के देखेंगे मजा ही लगा यार टीवी। तो अपन पहले सो के जल्दी से टीवी देखते हैं, बाकी टीवी में चल क्या रहा है यार, घोड़े वोड़े दिखा रहे हैं, घोड़े यार बाद में लेंगे ये, मतलब अभी घोड़े वोड़े दिखा रहे हैं कि घोड़े तुम ले सकते हो यहाँ से, तो घोड़े अपन यार बाद में लेने वाले हैं, अभी नहीं लेंगे घोड़े, अभी तो अपन मुर्गे गाय और अपनी जो पिग्स हैं वो लेने वाले हैं। पहले तो मैं यहाँ पे यार मेरा गेम पूरा का पूरा सेव कर देता हूँ। और एक भाई यार मतलब मैंने ये वाला घर पूरा बना लिया था पूरा तोड़ के, उसके बाद में यार मेरा गेम सेव नहीं हुआ, उसके बाद में मैंने वापस से पूरा का पूरा घर बना के तोड़ के वापस बनाया, इसलिए मैं बार बार में अब तो मैं हर बार दो दो तीन तीन बार सेव करके बाद में निकलता हूँ बाहर, कभी वापस पता चले कि सेव नहीं हुआ गेम। तो ये वाला तो अपने वही गाय गोई है जो अच्छी सी गाय है, तो जल्दी से अपने अपने घर से चलते हैं बाहर और देखते हैं कि अपन मुर्गे वुर्गे लेके आते हैं आज या फिर कल लेके आएंगे, क्योंकि अभी अपने पास दो ही मुर्गे हैं यार, और ज़्यादा अपने पास मुर्गे हैं नहीं। और गेट बंद कर देता हूँ यार एक, तो गेट बंद हो जा, मतलब गेट तो खोलेंगे नहीं यार अंदर, मतलब मिट्टी विट्टी चली जाएगी। और बाकी बाहर से अपना घर यार कितना शानदार लग रहा है, ऊपर की साइड में एक एंटीना लगा हुआ है जिससे अपना टीवी चल रहा है। और बाकी टीवी में तो यार तीन या चार ही वह है चैनल है, बाकी तो और कोई चैनल भी नहीं है टीवी में, इस साइड से भी ज़्यादा अच्छा है। और ये वाला घर तो अपने पूरा का पूरा बना दिया है, तो अभी अपन और भी चीज़ें इंप्रूव करने वाले हैं, तो जल्दी से घर इस साइड से भी देख लेते हैं कैसा लग रहा है। इस साइड में एक खिड़की दिख रही है जहाँ पे आराम से मतलब किचन से धुआं हुआ सारा सारा बाहर आ सकता है। और इस कुआ है, इस कुएं के अपन बाद में अपग्रेड करने वाले हैं। तो आज की वीडियो गाइज यहीं तक, आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और कल अपन लेने वाले हैं मुर्गे, और भी मुर्गे लेके आने वाले हैं, और मुर्गों का जितना भी दाना पानी वो सब लेके आने वाले हैं। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, लव यू, टेक केयर।